अगर आप कभी इंडिया गेट को देखेंगे तो उसकी दीवारों पर नाम लिखे हुए मिलेंगे, एक नहीं हजारों नाम। ये वो गुमनाम लोग हैं जिन्होंने किसी और देश के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन इतिहास में उन्हें जैसे भुला दिया गया। जब दुनिया पहले वर्ल्ड वॉर में झोंकी जा रही थी, तब उसमें भारतीय सेना के भी 11 लाख लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और दुनिया के कई फ्रंट्स पर जाकर लड़ाई लड़ी थी। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि इनमें से 74,000 सोल्जर्स कभी वापस ही नहीं आ पाए, और जो वापस आए भी उन्हें ऐसे भुला दिया गया जैसे वो इंडियन थे ही नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विदेशों में लड़ने गए हमारे इंडियन सोल्जर्स के साथ क्या क्या हुआ। जहरीली गैस से लेकर बम के गोलों तक उन्होंने क्या क्या देखा, और क्यों ब्रिटेन और फ्रांस में लड़कियां भारतीय सैनिकों के ऑटोग्राफ लेने के लिए पागल हुई पड़ी थी, और बाद में ऐसा क्या हुआ कि ये सारे सैनिक इंडियन हिस्ट्री का एक गुमनाम चैप्टर हो गए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, पहला वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ और 1919 में पूरी तरह से खत्म हुआ। हम इस वक्त अंग्रेजों के गुलाम थे। अंग्रेजों की सेना थी जिसे कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था, और इसमें लाखों इंडियन सोल्जर्स थे। इसलिए जब ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में कूदा तो इंडियंस को लगा कि अंग्रेजों की मदद करके वो भारत की आजादी पा लेंगे। यही वजह है कि 5 सालों के अंदर 11 लाख इंडियन आर्मी के सोल्जर्स दुनिया भर के हिस्सों में भेजे गए। लेकिन इन सभी को नहीं पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। वर्ल्ड वॉर कहीं से भी आसान नहीं था दोस्तों। भारतीय सैनिकों के लिए कदम कदम पर मुश्किलें थी, और सबसे बड़ी बात कि इसकी शुरुआत भारत से ही हो गई थी। सितंबर 1914 को एक जर्मन बैटलशिप एसएमएस एमडेन ने मद्रास पोर्ट पर अटैक कर दिया। किसी को नहीं लगा था कि जर्मनी ब्रिटेन की कॉलोनी पर भी अटैक कर देगा। इस हमले में मद्रास पोर्ट पर तैनात बर्मा ऑयल कंपनी का 5,000 टन केरोसिन ऑयल राख हो गया, और यहां पर 5 इंडियंस की जान चली गई। ये इंडियन सैनिकों की वर्ल्ड वॉर में पहली शहादत थी। लेकिन दोस्तों, ये कोई शुरुआत भी नहीं थी, आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी था। दोस्तों, इंडियन सोल्जर्स के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये थी कि उन्हें कोई अच्छी खासी ट्रेनिंग नहीं मिलती थी इंडिया में, और वर्ल्ड वॉर के लेवल पर होने वाली लड़ाई का तो उन्हें कोई अंदाजा भी नहीं था, ना ही कोई एक्सपीरियंस था। उनके लिए खाइयों में और कीचड़ की लड़ाई, या फिर टैंक, मशीन गन और बेहिसाब ठंड, ये सब कुछ पहली बार जैसा था। यहां तक कि उन्हें पहली बार मॉडर्न हथियार पकड़ाए गए थे जो उनके लिए बिल्कुल नए थे। इन्हें सीखने में ही उन्हें 3 से 4 दिन लग गए थे। आप सोच कर देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लेने वाले लगभग हर सोल्जर ने पहले कभी पानी का जहाज देखा भी नहीं था। ऐसी सिचुएशन में जब ये इंडियन सोल्जर्स लड़ने निकले तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उन्हें जर्मनी की जहरीली गैस का शिकार होना पड़ा। मंदिरा नैयर ने द वीक में लिखे अपने आर्टिकल में एक सैनिक का एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, जिसने कहा था कि ऐसा लगा जैसे जहन्नुम धरती पर उतर आया हो। पूरा मैदान मरे हुए लोगों से भर गया था, लोग मक्खियों की तरह मर रहे थे। भारतीय सैनिकों के पास गैस मास्क नहीं थे। किसी ने उन्हें बताया कि कपड़े पर अगर उसे नाक के पास रखा जाए तो गैस का असर कम हो जाता है। उन्होंने ये भी ट्राई किया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जहरीली गैस की इस लड़ाई का असर दोस्तों ये हुआ कि 47 सिख रेजिमेंट के 78% सैनिक इसी जहरीली गैस की वजह से मारे गए थे। दोस्तों, वॉर जोन से भेजी गई चिट्ठियों में इंडियन सोल्जर्स की वर्ल्ड वॉर में जो सिचुएशन थी और अपने आसपास की चीज़ों जो बर्बादी हो रही थी उसके बारे में पता चलता है। जैसे कि फ्रांस के मोर्चे से गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन अमर सिंह रावत ने अपने दोस्त को खत लिखा था, और उसने लिखा कि धरती मरे हुए लोगों से भर गई है, आगे बढ़ने के लिए लाशों के ऊपर से होकर जाना होता है, यहाँ तक कि कई बार उनके ऊपर सोना भी पड़ता है क्योंकि कोई खाली जगह बची ही नहीं। डेविड ओमिसी ने अपनी किताब इंडियन वॉइसेस ऑफ द ग्रेट वॉर में ऐसे कई लेटर्स को कलेक्ट किया है। इसी किताब में एक सिख का जिक्र है जो लिखता है कि ये एक शैतानी युद्ध है, और एक सैनिक तो अपने दोस्त को लिखता है कि चिंता मत करो मेरे दोस्त, हम सभी को देर सवेर मरना ही है,
यानी ये मान चुके थे इंडियन सोल्जर्स कि विदेशी जमीन पर उनकी मौत तय है। दोस्तों, भारत से बाहर इंडियन सैनिकों को जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी वो ये थी कि उनके ऑफिसर जो थे वो हिंदुस्तानी नहीं बोल पाते थे, इसलिए उनकी फैसिलिटी के लिए इंडियन ट्रेंचेस के नाम लंदन की सड़कों के नाम पर होते थे। लेकिन इसी वजह से भारतीय सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता था। फिर उनकी हेल्प के लिए खाइयों या ट्रेंचेस के नक्शे हिंदी, पंजाबी और उर्दू में लिखे जाने लगे, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि ज़्यादातर जवान जो थे उन्हें पढ़ना ही नहीं आता था। इस तरह दोस्तों, मुश्किलों के बीच, ठंड और बरसात, लाशों के साथ 11 लाख सैनिकों ने 5 साल गुजारे। इसमें से 74,000 कभी वापस ही नहीं लौट पाए, ना ही उनकी बॉडी वापस लाई जा सकी। उन्हें फ्रांस, ग्रीस, नॉर्थ अफ्रीका, पैलेस्टीन और मेसोपोटामिया में ही दफना दिया गया। 70,000 लोग वापस तो आए, लेकिन उनके शरीर का कोई ना कोई एक ऐसा बॉडी पार्ट था जो वो जंग में गंवा चुके थे, यानी वो हमेशा के लिए ब्रिटिश आर्मी की खातिर बेकार हो गए थे। लेकिन अंग्रेजों के लिए ये घायल सैनिक काम के भी थे। आपको जानकर गुस्सा आ सकता है कि हमारे सोल्जर्स का तब पॉलिटिकल इस्तेमाल भी हुआ। जी हाँ, सही सुना आपने। असल में हुआ ये कि युद्ध में घायल सैनिकों को ब्रिटेन के एक राजमहल में रखा गया। ये राजमहल पड़ता था ब्राइटन नाम के शहर में। वैसे तो महाराजा ने यह महल कई साल पहले ही ब्राइटन कॉरपोरेशन को बेच दिया, लेकिन दोस्तों जब युद्ध हुआ तो उन्होंने आपदा को अवसर में बदलने की सोची। उन्होंने अफवाह फैलाई कि राजा ने घायल सैनिकों के लिए अपना राजमहल खाली कर दिया। लेखक मंदिरा नैयर द पोस्ट के अपने आर्टिकल में कहती हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य ये प्रोपेगेंडा करने में सक्सेसफुल हो गया था कि भारतीय सैनिक उन्हें इतने अजीज हैं कि ब्रिटिश राजा ने उनके लिए अपना महल खाली कर दिया। पूरे अस्पताल में उर्दू, गुरमुखी और हिंदी में साइन बोर्ड लगाए गए थे। मुसलमान सैनिकों के लिए हलाल गोश्त की भी व्यवस्था की गई थी। जब भी उन्हें समुद्र तट पर घूमने के लिए ले जाया जाता, ब्राइटन के नागरिकों में उनसे हाथ मिलाने के लिए होड़ लग जाती और वो उनके हाथ में सिगरेट और चॉकलेट्स पकड़ा देते। इस तरह प्रोपेगेंडा के तहत रॉयल पवेलियन में 4,306 भारतीय सैनिकों का इलाज किया गया। कुछ लोगों की वहीं पर मौत भी हुई। इनमें से 53 हिंदू और सिख सैनिकों का ब्राइटन के बाहर एक गांव में अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां समुद्र में भी बहाई गई, जबकि 21 मुस्लिम सैनिकों को वोकिंग की मस्जिद के अहाते में दफनाया गया। दोस्तों, इस युद्ध के दौरान एक ऐसा फेज भी आया जब फ्रांस की महिलाओं के लिए ये सोल्जर्स हीरो बन गए। उन्हें फ्रेंच महिलाओं के कई प्रेम पत्र मिले क्योंकि इंडियन सोल्जर्स की बहादुरी के किस्से मशहूर हुए थे। उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में ब्रिटेन को जिताने की लड़ाई लड़ी। इस दौरान शहादत भी झेली और हमेशा के लिए अपंग भी हुए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें इतिहास में आटे में नमक जितनी वैल्यू मिली। दोस्तों, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो अंग्रेज आज़ादी देने के अपने वादे से मुकर गए, जिसका नुकसान इन सोल्जर्स ने उठाया। उनका विदेशों में जाकर लड़ना बेकार हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए सोल्जर्स की याद में इंडिया गेट तो बनाया गया, जहां शहीद हुए सोल्जर्स के नाम लिखे गए, लेकिन उसके बाद उन्हें लगभग भुला दिया गया। उल्टे कई लोग तो आज आपको मिल जाएंगे जो उन्हें विलेन बता देते हैं, जबकि हमें समझना होगा कि एक वक्त पर इन सोल्जर्स की कामयाबी पर देश की आज़ादी की उम्मीदें टिकी हुई थी। देश की आज़ादी के लिए देश के बाहर शहीद होने वाले 74,000 सोल्जर्स को बेहद मामूली जिक्र मिलता है इतिहास की किताबों में। तो दोस्तों, ये थी वर्ल्ड वॉर में हमारे 11 लाख सोल्जर्स के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जंग लड़ने की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।